नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गिलबरे सिंड्रोम की। यह एक रेयर बीमारी होती है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी नर्व्स पे हमला करके आपको पैरालिसिस तक की स्थिति में ले जाता है। इसका सबसे पहला सिम्टम होता है जब आपको एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस आ जाती है। गिलबरे सिंड्रोम की साथियों खास बात यह होती है कि यह पैर से शुरू होता है, फुट से शुरू होता है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होता है और फिर यह धीरे धीरे अपर एक्सट्रीमिटीज पे पहुंच जाता है और आपको वीक कर देता है। साथियों, हम आपको बताएंगे गिलबरे सिंड्रोम जो कि एक रेयर बीमारी है और ठीक न होने वाली बीमारी है, उसमें आपको आराम देने और ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों, यह जान लेते हैं कि गिलबरे सिंड्रोम होता क्या है। गिलबरे सिंड्रोम साथियों, जैसा कि अभी हमने बताया, यह आपके नर्व की बीमारी होती है जिसमें कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम, जो आपके बॉडी के बेसिकली इम्यूनिटी के लिए होता है, आपको रहने के लिए होता है, कभी कभी यह आपके नर्व्स पे अटैक कर देता है और नर्व्स पे हमला करके आपको वीक बना देता है। इस सिंड्रोम की शुरुआत, गिलबरे सिंड्रोम जो बीमारी है, इसकी शुरुआत आपके लोअर एक्सट्रीमिटी से होती है और यह ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसका सबसे पहला सिम्टम साथियों, आपकी नर्व्स में टिंगलिंग और चुभन होता है और आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस होने लगती है। तो यह गिलबरे सिंड्रोम है। अब जान लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स के बारे में कि कैसे आपको अंदाज़ा लगे कि ये आपको हो सकता है या हो रहा है या आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। साथियों, इसका जैसा कि मैंने बताया, इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है यह जब आपके पैर में टिंगनिंग और नीडल लाइक चुभन होने लगे, तो यह आप समझ लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका दूसरा सिम्टम होता है साथियों कि आपकी एक्सट्रीमिटीज में बहुत वीकनेस आ जाती है जो कि ऊपर की तरफ प्रोग्रेसिव होती है। इसकी तीसरी बात होती है कि आपका जो चलने का पोस्चर है वो वीकनेस के कारण इतना वो खराब हो जाता है कि आपको अटपटा लगता है और आप ज़रा सा ही काम करके बहुत अपने को वीक महसूस करने लगते हैं, अपने को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा आपका जो हार्ट रेट है वह बढ़ जाता है, आपकी घबराहट बढ़ जाती है और आपके पूरे शरीर में टिंगलिंग यानी चुभन यानी रेंगन ऐसी सेंसेशन होता रहता है। अगर यह सिम्टम है तो आपको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। अब साथियों, आपको बताते हैं गिलबरे सिंड्रोम के कारण। गिलबरे सिंड्रोम के कारण रीज़न आज तक अननोन है, लेकिन मेडिकल स्टडीज़ में ऑब्जर्वेशन में देखा यह गया है कि अगर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका सांस लेने की बीमारियां या आपके पेट की बीमारियां होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद आमतौर पर मरीज़ को यह सिंड्रोम हो जाता है जिसमें उसके पैर से वीकनेस आती है और एक्सट्रीमिटीज तक जाती है, उसकी आँखों में भी तकलीफ होने लगती है और वह देखने में विजन में भी असहजता महसूस करने लगता है। अब साथियों, चलते हैं सफ़र पे, आपको बताते हैं गिलबरे सिंड्रोम से निपटने की, उसको ठीक करने की, उसको कंट्रोल करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन उससे पहले साथियों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह आपकी जानकारी के लिए कार्यक्रम है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम्स होते हैं और हो सकता है वो आपको वो सिम्टम न सूट करे जिस आधार पर हम दवा बता रहे हैं। इसलिए किसी कुशल चिकित्सक से आप ज़रूर जानकारी लेके दवा करें। यह आपके जानकारी के लिए कार्यक्रम है जिसमें कि आप कम से कम इतना समझ जाएंगे कि आपकी बीमारी का इलाज है। चलते हैं साथियों, आपको बताते हैं होम्योपैथी में गिलबरे सिंड्रोम की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा साथियों जो गिलबरे सिंड्रोम की होम्योपैथी में आती है, नंबर एक दवा वह है इग्निशिया अमारा। अगर आपको मेंटल टेंडेंसी थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप है, हाई टाइप है, मतलब अपनी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है जो कि आप ही समझ सकते हैं, अगर आपको रहता हो तो
आप और आपकी एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस आ रही हो और आपके यहाँ बीमारी डायग्नोज हुई हो, तो फिर इग्निशिया अमारा से अच्छी दवा नहीं हो सकती। आप इग्निशिया अमारा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार कुछ वक्त तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी एक्सट्रीमिटीज में ताकत आने लगी, आपका जो चलने का तरीका है वो ठीक होने लगा, और जो आप बहुत देर तक कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पाते हैं सिंड्रोम में, आप चीज़ों को पकड़ने लगे और फोर्स लगाने लगे, जो आपकी नर्व की वीकनेस है वह ख़त्म हो गई। बस बात वही ध्यान रखने वाली कि इसका सबसे अहम सिम्टम है कि मरीज़ को थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है अपने आप में, वो अपने को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता है। दूसरी दवा साथियों होम्योपैथी में उस स्थिति में बनती है कि जब आपको गिया-बरे सिंड्रोम हो और साथ में आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता हो। अगर यह स्थिति आप में रहती है कि आपको गिया-बरे सिंड्रोम है और आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसमें कि आप मोशन जाने को परेशान हो जाते हैं, जाने की ज़रूरत कई दिन तक नहीं पड़ती, तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में गिया-बरे सिंड्रोम को ठीक करने की दवा है एलुमिना। आप एलुमिना 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, लार्ज स्टूल का एक्युमुलेशन हो जाता हो और फिर आप कई दिन बाद उसको पास करने जाते हो, स्टूल पहले सख्त होता हो फिर मुलायम होता हो और आपको स्किन डिजीजेज हो। एलुमिना का पेशेंट को बेसिकली सर्दी बहुत लगती है, तो अगर आपको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है और आपको गिया-बरे सिंड्रोम है, तो आपको ठीक करने की निश्चित दवा एलुमिना है। आप एलुमिना 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको लाभ हो जाएगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको गिया-बरे सिंड्रोम है और उसमें इतनी कमजोरी हो गई कि आप एक कप भी नहीं पकड़ सकते, मतलब कि आप एक्सट्रीम वीकनेस पर हैं, आपका यह सिंड्रोम आपके फुट की उंगलियों से शुरू हुआ है, वहाँ से टिंगलिंग से शुरू हुआ है और यह ऊपर की ओर बढ़ा है, एक्सट्रीम वीकनेस में है, तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फास्फोरस है। आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आपको आराम मिलने की सिंड्रोम में पूरी संभावना है। उस स्थिति में जब आपकी तकलीफें शाम को बढ़ती हों, आपके तलवों में जलन होती हो, पैर के फुट के सोल में जलन होती हो और आपको ठंडी चीज़ें खाना पसंद हो, अगर यह सिम्टम आप अपने में देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी दवा फास्फोरस है। फिर एक स्थिति आती है साथियों गिया-बरे सिंड्रोम में कि जब आपको ट्रेमलिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपके कंपन ट्रेमलिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, आपको कुछ भी पकड़ने में हाथ बहुत कांप रहे हों, आपको स्पास्म आते हों, यानी कि खिंचाव ऐठन होती हो शरीर में, तो आपको गिया-बरे सिंड्रोम को ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम का मरीज़ बहुत ही फास्टिडियस यानी तरीके से काम करने वाला होता है, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती है और उसकी तकलीफ़ें रात के 12 से 2 बजे रात के मिडनाइट के टाइम पे बढ़ती हैं और कभी कभी वह डायबिटिक भी होता है। तो अगर आप यह सिम्टम अपने में पा रहे हैं जिसमें कि आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में निश्चित तौर पर दवा आर्सेनिक एल्बम है। फिर साथियों एक बड़ा अजीबोगरीब सिम्टम आता है कुछ लोगों में गिया-बरे सिंड्रोम में कि उनके एक हाथ और एक पैर में ट्रेमलिंग होती है और यह रात में सोने के बाद उनके पैरों में और शरीर में दर्द बढ़ता है। तो अगर यह स्थिति किसी में आ रही हो और वह तकलीफ में हो, तो उसको आराम देने की बहुत अच्छी दवा कोक्यूलस इंडिकस है। आप कोक्यूलस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम मरीज को दे दें, तो आप देखेंगे कि उनको रात में सोने के बाद पड़ने वाला दर्द ठीक हो गया और वह राहत महसूस करने लगे। कोक्यूलस के मरीज को चक्कर भी बहुत आते हैं और वह गाड़ी टेम्पो ट्राम एरोप्लेन ट्रेन इनमें नहीं बैठ पाता है, उसको उससे नौजिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। तो अगर यह सिम्टम आप में है तो गिया-बरे सिंड्रोम ठीक करने की आपके सबसे अच्छी दवा कोक्यूलस इंडिकस है। फिर साथियों एक स्थिति आती है गिया-बरे सिंड्रोम में अपने किसी साथी को हो सकती है कि उनके केवल लोअर लिम्ब्स पैरालाइज होते हैं, शरीर का निचला हिस्सा ही केवल पैरालाइज होता है। तो अगर यह स्थिति आप में है तो आपका गिया-बरे सिंड्रोम को ठीक करने की सबसे कारगर दवा रस्टॉक्स है।
आप रस स्टॉक्स 1 mg पावर में यानी 1000 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार थोड़े लंबे वक्त के लिए ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका पैरालिसिस भी ठीक होने लगा, आपकी जो एक्सर्शन के बाद वीकनेस आती है वह भी ठीक होने लगी, आपका जो वन साइडेड परस्पायरेशन जो बेसिकली रस स्टॉक्स में होता है वह भी ठीक होने लगा और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे और आपका गुइलेन-बारे सिंड्रोम जो कि एक लाइलाज बीमारी है होम्योपैथी में वह पूर्णतया ठीक होके आपको फिर चलने के प्रॉपर चलने के काबिल बना सकी। फिर साथियों एक स्थिति आती है गुइलेन-बारे सिंड्रोम में किसी को कि रात में जर्किंग होने लगती है, जब वो सोते हैं तो ट्विचिंग होने लगती है, अचानक एक हाथ पैर घूमने लगते हैं, ऐठन होने लगती है, वो एकदम से मूवमेंट्स होने लगते हैं। तो अगर यह आपके डायर सिचुएशन आपके सामने हो तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और उस स्थिति में आपके गुइलेन-बारे सिंड्रोम को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है जिंकम मेट 30। जी हाँ, जिंकम मिटालिकम 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो, रात में आपके जर्किंग होती हो, आपको शॉक्स ऐसे महसूस होते हों और आप परेशान हो जाते हों। इस दवा से यानी जिंकम मेट से आपकी यह परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी जो सिम्टम है शॉक वाले और जर्किंग वाले और आपका गुइलेन-बारे सिंड्रोम भी ठीक होने लगेगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों जिसमें कि किसी को गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो सकता है और उसको रात में पेशाब निकल जाती हो, पेशाब वो पलंग पे कर देता हो, रोज़ उसको डायपर लगाना पड़ता हो, बांधना पड़ता हो, तो अगर वह स्थिति आ रही है कि रात में इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रहा है और उनको गुइलेन-बारे सिंड्रोम है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम हिनिमनाई 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे दें, आप देखेंगे कि उनका इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन भी रुक गया और उनका गुइलेन-बारे सिंड्रोम भी ठीक होने लगा। फिर साथियों एक सिम्टम आता है जो कि गुइलेन-बारे में वॉश करने वाला होता है कि बहुत तेज़ रैपिडली आपका लोअर एक्सट्रीमिटी से वीकनेस बढ़ी और पूरे शरीर में आ गई। तो अगर बहुत रैपिड रूप से आपके शरीर में इस तरह की वीकनेस आती है तो इसको ठीक करने की और जनरली भी गुइलेन-बारे सिंड्रोम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कोनियम है। कोनियम वह दवा है जो सीधे आपके नर्व पे एक्ट करके आपके गुइलेन-बारे सिंड्रोम को ठीक करने में मदद करती है। अगर आपको गुइलेन-बारे सिंड्रोम है और आपके सिम्टम्स बहुत रैपिडली असेंडिंग टाइप ऊपर की तरफ प्रोग्रेस हुए हैं फ्रॉम फुट टू अपर एक्सट्रीमिटीज तो आप कोनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका गुइलेन-बारे सिंड्रोम ठीक होने लगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है गुइलेन-बारे सिंड्रोम में कि जब आपके बहुत वीक हो जाते हैं, तो अगर गुइलेन-बारे सिंड्रोम का पेशेंट है और वह बहुत वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा और नर्व्स में जान फूंकने की बहुत कारगर दवा प्लम्बम मिटालिकम है। आप प्लम्बम में 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि बहुत वीकनेस आ गई हो और उसको एमिसिएशन यानी कि उसका वेट लॉस हुआ हो और उसको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो यह दवा प्लम्बम मेट 30 आपको इन तीनों सिम्टम से ठीक करके गुइलेन-बारे सिंड्रोम से ठीक करके आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है गुइलेन-बारे सिंड्रोम में कि आपकी रीढ़ की हड्डी में बैक में जलन होने लगी और चुभन होने लगी, तो अगर आपके जो बॉडी में चुभन हो रही है गुइलेन-बारे सिंड्रोम में उसमें चुभन के साथ आपको उसमें जलन भी होने लगे स्पाइन में जहाँ से सारी नर्व्स पास होती, क्योंकि यह सिंड्रोम में आपकी नर्व्स पे ही आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है, तो अगर वह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एसिड पिक्रेटम है। आप एसिड पिक 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका स्पाइन की जो जलन हो रही है, रीढ़ की हड्डी में जो जलन हो रही है वह ख़त्म हो गई और आपका गुइलेन-बारे सिंड्रोम भी ठीक होने लगा। एक साथियों स्थिति आपके सामने आ सकती है कि जब आपको इन सारी बताई दवाओं से फ़ायदा ना हो रहा हो, कहीं से फ़ायदा ना हो रहा हो, सारी दवाएं आप ले चुके हो, होम्योपैथी की भी सारी दवा ले चुके हो और आप ठीक ना हो रहे हो, उस स्थिति में भी आपके पास एक उम्मीद की किरण है और वह है कार्सिनोसिन दवा।
आप कार्सिनोसिन 1 mg/kg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको कोई दवा काम ना कर रही हो, आपको नींद ना आती हो और आप डायबिटीज़, कैंसर और सिफिलिस की तरफ इंक्लाइंड हो, यानी परिवार में किसी को यह बीमारियां रही हो, उस कंडीशन में आपको कार्सिनोसिन दिक्कत से निकालेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थीं गुइलेन-बारे सिंड्रोम के, यह आपको ठीक करने में मदद करेंगी। और इस वीडियो से हमारा प्रयास था, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए था। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि गुइलेन-बारे सिंड्रोम एक मेडिकल इमरजेंसी भी होती है। ये साथियों कुछ दवाएं थीं गुइलेन-बारे सिंड्रोम के विषय में। साथियों एक बार फिर हम आपको बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि गुइलेन-बारे सिंड्रोम एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर साथियों आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में अपना सवाल लिख सकते हैं, या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415786384157863 पर आप अपनी क्वेरी को WhatsApp कर सकते हैं। हमें आपके सवाल का संतोषजनक जवाब देने में बड़ी खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो साथियों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए, साथ देने के लिए, सुनने के लिए आपका आभार, साधुवाद, धन्यवाद।